श्रीलंका से आ रहा हूँ, मेरा नाम गगनदीप है, मैं वीज़ा अफेक्ट हूँ। अज का जोड़ा वीडियो हैगा ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के जी टी प्रोसैसिंग टाइम को लैके हैगा। काफ़ी बच्चों के बहुत टाइम तो कॉल्स आ रहे हैं कि सर जी टी प्रोसैसिंग टाइम के बारे दसो कि चल रहा है, क्यों इन्ना टाइम लगता है, कि दिक्कत आ रही हैं, क्यों साढ़े जी टी क्यों नहीं क्लीयर हो पा रहे। सो वो सारी चीज़ों ही गैदर करते हुए वीडियो बनाने का सोचा। सो जिहड़ा जी टी प्रोसैसिंग टाइम है, सब तो पहला वट इज़ जी टी ई। जी टी एक जेनुइन टेंपरेंट एंट्रेंस कहने इनू, जिद ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस ये बच्चे की जेनुइनिटी चैक करते हैं कि हाँ जी जो बच्चा ऑस्ट्रेलिया या उन्होंने कंट्री आ रहा वो कितना कुछ जेनुइन है, वह बैकग्राउंड की हैगा है, कितों वो बिलोंग करता है, जेडे उन्हें फंड शो किए ने वो किन्ने कु पुराने ने, तो किन्ने कु जेनुइन ने, तो वो जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं, सब तो पहला जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अकैडमिक्स ने, उन्हें कितना कुछ स्कोर किया वेरिफिकेशन होंदिया ने। दूसरे स्टेज पर आके वो चेक करते हैं बच्चे की जेनुइनिटी, जिन्हों वो फाइनैंशियल्स देख के, वो बैकग्राउंड देख के, वो फैमिली चेक न देख के कि हाँ जी जिहड़े फंड शो किए ने किन्ने टाइम पुराने ने। वैसे तो वधिया है कि 3 to 4 महीने पुराने फंड शो किए गए हो, जे अगर वो 3 to 4 महीने पुराने नहीं है, लेटेस्ट है ने, लेट्स से फॉर 1 month ओल्ड है या 2 months ओल्ड है ने, सो उसदे विच थोड़ी जी क्रेडिबिलिटी उन्होंने चैक करने उन्होंने थोड़ा जि टाइम लगता है, क्योंकि रीसेंट हमने पिछे तुम लोगों ने भी देखे होना काफ़ी न्यूज़ आई सी ऑस्ट्रेलिया वालों भी कि हाँ जी पंजाब स्टेट या हरियाणा स्टेट गुजरात तो लैके पाकिस्तान नेपाल वाली साइड तो काफ़ी उन्होंने इदा के डॉक्यूमेंट्स फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट्स जोड़े उन्होंने कैच आउट किए हैं, जिदे करके जो जेनुइन बच्चा भी है वो फाइल में भी टाइम लगना शुरू हो गया। जोड़े फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट की उन्होंने गल की, बच्चे के जोड़े निकले वो आइल्स हो गया, पी टी हो गया, वो बच्चे के अकैडमिक्स हो गए या फाइनैशियल डॉक्यूमेंट्स जो फंडस वगैरह शो किए गए। सो असी तो सारे यही रिक्वेस्ट करा कि अगर तुम ऑस्ट्रेलिया अपना अप्लाई कर रहे हो, सो प्लीज़ अपने किसी भी डॉक्यूमेंट के ना कोई भी छेड़छाड़ ना करो ना करवायो, वो कुछ नहीं होना। एक तो प्रोसैसिंग टाइम बच जाना है तो फाइल के उत्ते, एंड एट द एंड जो रिजल्ट बनना है तो फाइल के उत्ते नैगेटिव बन जाना है, तो क्योंकि तुम्हें फिर उन्होंने वीज़ा ग्रांट नहीं करना, नाले हो सकता वो बैन भी लगा दें। सो साड़ी सारे के तो यही रिक्वेस्ट है कि अपने किसी भी डॉक्यूमेंट के नाल किसी के भी कहनते किसी भी एजेंट के कहनते अपने डॉक्यूमेंट्स के नाल कोई भी छुड़वाड़ ना करवायो ताकि वीज़ा रिफ्यूजल चांसिस बढ़ जा। जी टी प्रोसैसिंग टाइम की गल करते पे से असं, तो जी टी प्रोसैसिंग टाइम नॉर्मल अगर गल करिए यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, जोड़ा कि नीयर अबाउट 2 weeks का टाइम भी ले सकते हैं, नहीं तो 4 weeks या 5 weeks तक का भी टाइम ये जा सकता है। सो वधिया तो यही है कि अगर तुम ऑस्ट्रेलिया वास्ते अपना अप्लाई करन दा सोच रहे हो, सो यही एक गोल्डन टाइम है, क्योंकि जुलाई इनटेक के वीज़ास भी आने शुरू हो चुके हैं। नैक्सट इनटेक जो ऑस्ट्रेलिया का फॉल कर रहा वो है सितंबर इनटेक, उस तो नैक्सट आ जाता है फिर नवंबर कई यूनिवर्सिटी का, नहीं तो मेजर इनटेक फिर तो फॉल करेगा जाके जनवरी और फरवरी। सो एक ए गोल्डन टाइम है जिदे विच देखो बच्चों वीज़ास भी आने शुरू हो चुके हैं फॉर जुलाई इनटेक, जिन्हों की हूँ क्लासेस है। सो ऑस्ट्रेलिया की सब तो वधिया गल ए भी है कि अगर तुहाडा वीज़ा लेट से अज आ गया है तो तुसी नैक्सट डे भी फ्लाई कर सकते हो, वो इन्नी वड्डी अपॉर्चुनिटी देंदे ने बच्चे नूं कि क्लास शुरू होण तो तुसी 2 महीने 3 महीने पहला भी आ सकते हो, क्योंकि तुसी उत्थे आके अपने आप नूं पहला सैटल कर लो, अपने जो भी तुसी जॉब वगैरह देखनी है वो तुसी लभ के रख लो, ताकि जो तुसी अपनी क्लासेस स्टार्ट करनी है तुहानूं उस टाइम ते इस चीज़ का कोई हसल या पैनिक क्रिएट ना कर होए। सो एस बहुत वधिया चीज़ हैगी है ऑस्ट्रेलिया वालों। सो दिस इज़ अगेन आई एम सेइंग दिस इज़ अ गोल्डन टाइम गोइंग ऑन फॉर ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि इहदे विच उन्हां ने हुण अपना वीज़ा देना शुरू करता है, तो प्रोसैसिंग टाइम जिहड़ा सी उहनूं बैक टू नॉर्मल ट्रैक लैकर आ रहे हैं, जिहड़ा कि उन्होंने वाली पिछे लास्ट वीक अपनी न्यूज़ विच भी रिलीज़ किया कि वी आर गोइंग बैक टू विद द 45 days टाइम। सो सारे बच्चे इस चीज़ नूं देखन समझन, तो अपना अगर ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना चाहते हो या अपनी फाइल का असैसमेंट भी कराना चाहते हो तो तुम सानू कॉल कर सकते हो 90410 90410 से। जे अगर तुम मिलके मेरे नाल मिलके अपनी फाइल असैसमेंट कराना चाहते हो तो मेरी नियरेस्ट ब्रांचेस विच तुम आ सकते हो, अपनी अपॉइंटमेंट बना के 90410 90410 से। साड़ी जिहड़ी नियरेस्ट ब्रांचेस हैगी है वह है अमृतसर, जलंधर, लुधियाना के। थैंक यू।